हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की वेजिटेबल इडली, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी मूंग दाल लिया है, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे पानी में भिगो के रखा है। उसके बाद उसको अच्छे से धो लिया है। अब ये भिगी हुई दाल को हमें मिक्सी जार में डाल के उसका एक बैटर तैयार करना है। इसका बैटर हमें बहुत ढीला नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल इडली का बैटर बनाते हैं वैसे ही हमें उसका बैटर तैयार करना है। अब मूंग दाल के साथ हमें इसमें नमक डालना है, नमक स्वाद अनुसार डालें, और उसके साथ ही हमें अदरक और मिर्ची का पेस्ट भी डालना है। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर, कटे हुए प्याज और कटे हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, और इसके साथ हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। आपको अगर ग्रीन मटर भी पसंद हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे एक अलग छोटा सा बाउल ले रही हूँ, जिसमें ये बैटर को मैं डाल रही हूँ। ये मैं इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये छोटा सा बाउल वाला जो मिक्सचर मैं ले रही हूँ उसमें थोड़ा सा इनो मिक्स करना है, और उसमें से मैं पहले इडली रखने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपको पूरा बैटर एक साथ यूज़ नहीं करना है तो हमेशा उसको इनो हमेशा थोड़े थोड़े बैटर में ही डालना चाहिए, जिससे हमारी इडली सॉफ्ट बनती है। इसके लिए मैं यहाँ पर अलग से बाउल में इनो मिक्स कर रही हूँ और ये बैटर मैं पहले इडली बनाऊँगी। इसके लिए मैंने इडली स्टैंड को ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब मैं यहाँ पे बैटर उसमें डाल रही हूँ। यहाँ मैंने मिनी स्टैंड यूज़ किया है, अगर आपको नॉर्मल इडली स्टैंड में भी रखना हो तो वो आप रख सकते हो। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे मिनी स्टैंड यूज़ किया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए स्टीम के लिए रख देंगे। तो आप देख रहे हो हमारी इडली रेडी हो गई है। अब हम इसको छौंक लगाएंगे। छौंक लगाने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, आप इसको घी या बटर में भी बना सकते हो। अब हम इसमें 1 टीस्पून जितना मस्टर्ड सीड डाल देंगे। मस्टर्ड सीड क्रैकल हो जाए उसके बाद हमें उसमें 1/2 चम्मच जितना हींग डालना है। अब हम उसमें करी पत्ता और कटी हुई मिर्च भी डाल देंगे और उसको थोड़ा सौते कर लेंगे। उसके बाद हमें उसमें हमारी इडली बनी हुई जो है उसको मिक्स करना है। अब उसको अच्छे से हिला देना है। तो हमारी ये मूंग दाल की वेजिटेबल इडली तैयार हो गई है। इसको आप सेजवान चटनी अगर बच्चों को पसंद है तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।